विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 110 से 130 सीटों पर पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी कर सकती है। कमलनाथ ने कहा, 60 सीटों पर चर्चा हुई है, हम श्राद्ध के बाद अपनी सूची की घोषणा करेंगे। हम उस रफ्तार से चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर को अपनी सूची की घोषणा कर सकें। दिल्ली AICC हेडक्वार्टर में इसे लेकर बैठक हो रही है। शनिवार को दूसरे दिन भी बैठक होगी। सभी 230 सीटों पर दो सूचियों में उम्मीदवारों के नाम तय करने की तैयारी है। पहली सूची 110 से 130 उम्मीदवारों की हो सकती है। दूसरी सूची में शेष 80 सीट के प्रत्याशी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 77 साल के हो गए हैं, वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में हैं। ये उनका आखिरी दांव हो सकता है। वो छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे। दिमनी से विधायक रविंद्र सिंह तोमर के नाम पर चर्चा बाकी है। कांग्रेस के वर्तमान में 96 विधायक हैं, इनमें से 6 विधायकों को इस बार प्रत्याशी बनाए जाने पर संशय है। आपको इनके बारे में बताते हैं। आरिफ अकील, 71 साल के आरिफ अकील कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आरिफ अकील अपनी सीट भोपाल उत्तर पर बेटे आतिफ अकील को उतारना चाहते हैं। हालांकि इस फैसले में आरिफ के भाई आमिर आड़े आ रहे हैं। आमिर अपने भाई की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। टामलाल रघुजी सहारे, कटंगी सीट से विधायक टामलाल सहारे 76 साल के हो गए हैं। उन्होंने पार्टी को चुनाव न लड़ने की बात बता दी है। टामलाल 1993 में पहली बार विधायक बने, 98 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार विधायक बने थे। अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना जिले की सुमावली सीट से मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा को न्यायालय से 2 साल की सजा हो चुकी है। उनके खिलाफ रियल एस्टेट कारोबार में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अजब सिंह के बजाय नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। पांचीलाल मेड़ा, धार जिले की धर्मपुरी सीट से विधायक पांचीलाल मेड़ा 2008 में पहली बार विधायक बने थे। 10 साल बाद 2018 में वो फिर धर्मपुरी सीट से विधायक बने। कांग्रेस के तमाम सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, ऐसे में उनकी जगह किसी और चेहरे को उतारा जा सकता है। शिवदयाल बागरी, पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से पहली बार के विधायक शिवदयाल बागरी की रिपोर्ट सर्वे में अच्छी नहीं मिली, लिहाजा इस सीट पर बदलाव हो सकता है। इसी तरह सुरेश राजे हैं, ग्वालियर जिले की डबरा सीट से मौजूदा विधायक सुरेश राजे कई बार विवादों में आ चुके हैं, उनके कई वीडियोज भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में पार्टी इस सीट पर भी बदलाव कर सकती है। झाबुआ सीट से वर्तमान विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांतिलाल अपने बेटे विक्रांत को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। विक्रांत वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस सीट से विक्रांत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस के टिकट पर पहली बार खरगोन जिले की बड़वा सीट से विधायक बने सचिन बिरला ने 2 साल पहले बीजेपी को समर्थन दे दिया था। वो 4 दिन पहले औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस नया चेहरा उतारेगी। दिल्ली में 2 दिन कांग्रेस की मैराथन बैठकें हो रही हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, ओंकार सिंह मरकाम समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इन बैठकों में पहली सूची के नामों को फाइनल किया जाएगा। कुछ विधायकों की सीटों को बदलकर दूसरे मजबूत दावेदारों को मौका देने पर चर्चा चल रही है। इनमें भोपाल जिले की दक्षिण पश्चिम सीट से मौजूदा विधायक PC शर्मा को नरेला शिफ्ट करने और दक्षिण पश्चिम में संजीव सक्सेना को उतारने पर भी विचार चल रहा है। इसी तरह छतरपुर जिले की राजनगर सीट से वर्तमान विधायक कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा को बीजावर शिफ्ट करने की चर्चा है। राजनगर सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि को उतारने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस फॉर्मूले के अमल में आने की संभावना कम है, क्योंकि 5 दिन पहले दिल्ली में हुई CEC की मीटिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने विधायकों की सीट बदलने से इनकार कर दिया था। दूसरी वजह, छतरपुर जिले में अभी महाराजपुर और छतरपुर में ब्राह्मण विधायक हैं और इन दोनों विधायकों को फिर उतारा जा रहा है। ऐसे में तीसरा ब्राह्मण चेहरा उतारे जाने से दूसरे वर्गों में नाराजगी हो सकती है। राजनगर में बीजेपी ने भी पिछला चुनाव 732 वोटों से हारे थे अरविंद पटेरिया को फिर से मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से यदि एक ही समाज के उम्मीदवार उतरे तो थर्ड फ्रंट का कोई उम्मीदवार बाजी मार सकता है। प्रत्याशी चयन को लेकर कुछ क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो विनेबिलिटी यानी जीतने की योग्यता है। 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, विधायक अपनी सीट नहीं बदल पाएंगे, वहीं जिले के बाहर के नेता को टिकट नहीं मिलेगा।